देखिए, पहली जो खबर है ग्रीन बॉन्ड की, ये इकोनॉमी की खबर है। क्या होते हैं ग्रीन बॉन्ड, ये जान लेते हैं। पहली चीज तो हम ये जानते हैं कि बॉन्ड क्या होता है, फिर जानेंगे ग्रीन क्या होता है। यहाँ पे एक शब्द है, इसका नाम मतलब है बॉन्ड। बॉन्ड मतलब जेम्स बॉन्ड नहीं है अपना, बॉन्ड मतलब होता है एक तरह का पेपर, पत्र। लेकिन कौन सा पत्र, जिसमें कुछ एग्रीमेंट किया गया हो, जिसमें कुछ एग्रीमेंट किया गया हो। किस तरह का एग्रीमेंट किया गया हो, फाइनेंशियल एग्रीमेंट किया गया हो, वित्तीय एग्रीमेंट। यानी मोटे तौर पे कहूं, मैं मान लो LIC कंपनी हूं। कौन सी कंपनी, LIC। मैं बॉन्ड जारी करता हूं कि ये, मैं एक कागज है, उस कागज में लिखता हूं कि भाई ये एक कागज 1 लाख रुपए का है, ये एक कागज 1 लाख रुपए का है, और इसमें ये लिखा है कि जो ये कागज लेगा उसको मुझे 1 लाख रुपए देने होंगे, और 10 साल बाद मैं उसको हर साल का 10% ब्याज दूंगा पर ईयर। यानी LIC ने कई सारे बॉन्ड जारी किए हैं, वो एक कागज है, सिंपल एक सर्टिफिकेट। उसमें लिखा है कि ये जो सर्टिफिकेट है ये 1 लाख रुपए का है, जो भी ये सर्टिफिकेट लेना चाहता है वो पहले मुझे 1 लाख रुपए दे दे और मैं उसको हर साल 10% ब्याज दूंगी। हर साल 10% मतलब हर साल 10,000 रुपये ब्याज मिलेगा, और 10 साल बाद आपको 1 लाख रुपए भी वापस हो जाएंगे। इसका मतलब 1 लाख रुपए जो मूलधन है वो तो मिलेगी, और जो ब्याज मिल रहा है वो अलग से। और मेरे पास था सिर्फ क्या, एक कागज था मेरे पास जिसमें ऐसा कुछ वादा लिखा हुआ है। किसने वादा किया, LIC ने। LIC को क्या मिल गया, LIC को मिला पैसा। और हमें, आपको क्या मिला, हमारे पास 1 लाख रुपए पड़े रहते, किसी काम नहीं आते। हमने 1 लाख रुपए पे ब्याज कमाया हर साल का 10%, और 10 साल बाद 1 लाख भी वापस मिल गए, और हर साल 10,000 के हिसाब से 1 लाख का ब्याज भी हमने कमा लिया। यानी हमने 1 लाख को 2 लाख कर लिया 10 साल में। LIC को फायदा क्या हुआ, उसको बैंक से लोन लेना नहीं पड़ा, उसको आम जनता से उसने पैसे उठा लिए। इसे कहते हैं बॉन्ड सिस्टम, और मोटे तौर पे इसे कहते हैं उधार। लेकिन इकोनॉमी में इसको उधार ना कह के क्या कहते हैं, डेब्ट। इकोनॉमी की भाषा में इसे उधार ना कह के क्या कहते हैं, डेब्ट। तो ग्रीन बॉन्ड भी एक तरह का बॉन्ड है, जिसमें आम जनता से पैसे लिए जाते हैं, आम जनता से उधार लिए जाते हैं, और आम जनता को कुछ प्रतिवर्ष का ब्याज फिक्स कर दिया जाता है कि इतना ब्याज हम देते रहेंगे इतने सालों का। और उसके बाद जब वो, जैसे आपने LIC का प्रीमियम भरा होगा तो उसने तो एक कागज दिया ना आपको, लेकिन वो अलग चीज है। लेकिन कुछ लगभग वैसा ही है कि आपने कागज के भरोसे हर साल LIC को पैसा दिया, प्रीमियम दिया, और जब आपकी LIC मैच्योर हुई तो आपको लमसम पैसा मिल गया। वैसे ये बॉन्ड होते हैं, इसमें जैसे मान लीजिए मैं LIC हूँ, मैं MPV हूँ, मैं भेल हूँ, मैं सेल हूँ, मुझे कुछ पैसा चाहिए, तो या तो बैंक के पास उधार लेने जाऊंगा, और बैंक से उधार लूंगा तो पहले तो गिरवी रखवाएगा कुछ, उसके बाद मुझसे शायद ब्याज ही बहुत ज्यादा ले, और उनका ब्याज भी कॉम्पाउंड इंटरेस्ट वाला होगा। लेकिन वो तरीका मुश्किल है, बैंक चाहे तो ब्याज मतलब लोन दे चाहे तो ना दे। लेकिन ये जो बॉन्ड वाला सिस्टम है, इसमें आम जनता से आप पैसे लेते हो, और आम जनता को एक कागज चिपकाते हो आप, इस कागज को ही बॉन्ड कहते हैं। और उसमें कागज में लिखा रहता है कि हम आपसे इतना रुपया ले रहे हैं, इतना इतना ब्याज देंगे, और इतने साल बाद ये पैसा आपको वापस कर देंगे। बॉन्ड समझ में आया आप लोगों को, रिप्लाई करिए, बॉन्ड क्या होता है। यस सर। अब हमारे देश में ऐसा नहीं कि राह चलते कोई राजवाड़ा के चौराहे पे खड़े होकर बोले कि बॉन्ड ले लो। बॉन्ड जो लिए दिए जाते हैं, इसका एक पूरा मार्केट होता है, और उस मार्केट को कंट्रोल करता है सेबी। उस मार्केट को कंट्रोल कौन करता है, सेबी। सेबी आप लोग जानते हैं, मुंबई में मुख्यालय है इसका। सेबी का मुख्य काम आप लोग जानते हैं, जो हमारे शेयर मार्केट है उसको कंट्रोल करता है। और शेयर मार्केट में भी जो आप शेयर खरीदते हैं, तो वो तो वही है ना, आपने किसी का शेयर लिया तो आपने अपने पैसा उसको दिया, उस कंपनी को उसका शेयर लिया। तो ये जो मार्केट है, जहाँ पे आप आम जनता से, कॉमन पीपल से आप पैसा उठाते हैं और उनसे कुछ वादा करके वो पैसा वापस करते हैं बाद में, उसको सारे को कंट्रोल करता है सेबी, यानी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो ये बॉन्ड मार्केट भी सेबी कंट्रोल करता है। ऐसा नहीं कि मुझे उधार चाहिए तो मैं चला जाऊंगा सेबी में, रजिस्टर्ड हो जाऊंगा और बॉन्ड निकाल दूंगा, नहीं। सेबी में रजिस्टर्ड होने के लिए भी बहुत सारी शर्तें होती हैं, और जो कंपनियां सेबी में रजिस्टर्ड होती हैं, जो संस्थान सेबी में रजिस्टर्ड होते हैं, वही अपने बॉन्ड जारी कर सकते हैं। और बॉन्ड जारी करेंगे तो आम जनता को पता रहेगा, भाई बॉन्ड निकला हुआ है, कंपनी की
साख देखेंगे, कंपनी की रेपुटेशन देखेंगे, भाई एलआईसी ने कोई बॉन्ड निकाला है फटाफट बिकेगा, भेल ने कोई बॉन्ड निकाला है फटाफट बिकेगा, ये कंपनियां मजबूत है ना। और हो सकता नीरव मोदी ने कोई बॉन्ड निकाला, कोई नहीं खरीदेगा, बोले कि पागल आदमी चोर आदमी भग जाएगा। तो बॉन्ड मार्केट को कंट्रोल कौन करता है? सेबी। और इसके लिए भी आपको सेबी में रजिस्टर्ड होना पड़ता है। यहां तक की बात क्लियर है तो रिप्लाई कर दीजिए। यस सर। लेकिन जैसे मैंने एलआईसी का एग्जांपल दिया, एलआईसी ने अपना बॉन्ड भेजा आपको लाख रुपए का, आपसे लाख रुपए ले गया, आपको हर साल ब्याज दे रहा है, बढ़िया। लेकिन अब एलआईसी इस लाख रुपए का क्या करे, वो एलआईसी का मन है। वो इस लाख रुपए की बिल्डिंग बनाए, उस लाख रुपए की अपने लोगों को सैलरी दे, उस लाख रुपए का कुछ पोस्टर करे, कुछ भी करे, एलआईसी अपने लाख रुपए को चंदा में बांट दे, जनता उससे पूछेगी नहीं। तो नॉर्मल बॉन्ड ऐसे होते हैं जिसमें आपने पैसा दे दिया, आप शांत हो जाइए, आपका पैसा हम कहाँ यूज करें, हम क्यों बताएं। लेकिन एक नया टर्म आया, उसको कहा गया ग्रीन बॉन्ड। ग्रीन बॉन्ड मतलब क्या? बॉन्ड तो आप समझ गए, उधार लेना, आम जनता से उधार लेने वाली प्रक्रिया। ग्रीन मतलब क्या? जब भी कोई कंपनी, कोई संस्थान ग्रीन बॉन्ड जारी करती, इसका मतलब है कि ये जो पैसा, मान लो एलआईसी ने ग्रीन बॉन्ड जारी किया, तो एलआईसी इस लाख रुपए को किसमें लगाएगी? ऐसे संस्थानों में जिससे प्रकृति को फायदा हो, ऐसी चीजों में जिससे प्रकृति को फायदा हो। जैसे इसमें देखिए पवन चक्की लगाई गई है, इसमें देखिए ऐसे घर लगाए गए हैं जो कि सोलर एनर्जी से चल रहा है, इसमें देखिए एक इलेक्ट्रिक कार को चार्जिंग होते हुए दिखाया गया है, इसमें देखिए जो अपने कचरा है, जो वेस्ट है, उसका डिस्पोजल दिखाया गया है। यानी मतलब ग्रीन बॉन्ड वो बॉन्ड होते हैं जिससे, जिसका पैसा उन चीज़ों में लगाया जाएगा जो इको फ्रेंडली है, जो इन्वायरमेंट फ्रेंडली है, हमारी प्रकृति को, हमारे पर्यावरण को बढ़ावा देने के लिए काम में लगाया जाएगा। शर्त होती है ग्रीन बॉन्ड, मतलब ग्रीन मतलब हरियाली, हरियाली मतलब प्रकृति। तो आप अपनी प्रकृति को बढ़ाने के लिए, प्रकृति को अच्छा करने के लिए, हील करने के लिए जो काम करेंगे, चाहे आप अक्षय ऊर्जा में लगाइए, रिन्यूएबल एनर्जी में लगाइए, एनर्जी एफिशिएंट बनाइए, ट्रांसपोर्टेशन को बनाइए, जैसे अपने इंदौर में इलेक्ट्रिक बसें चल रही हैं, इंदौर के सरकारी कार्यालयों में आपको इलेक्ट्रिक कार्स दिख रही हैं, वेस्ट मैनेजमेंट में लगाइए, मतलब कुल मिला के सारा पैसा वहां लगाना जहां से प्रकृति को अच्छा हो, फील गुड हो, प्रकृति को खराब नहीं करना। ये होते ग्रीन बॉन्ड, इसलिए इनको ग्रीन बॉन्ड कहा जाता है। यहां तक की बात क्लियर है तो रिप्लाई कर दीजिए। यस सर। जी सर। ये जो कॉन्सेप्ट है पिछले 20 साल से बहुत तेजी से आया, क्योंकि भाई हम अपनी प्रकृति को खराब किए जा रहे हैं, रोज खराब कर रहे हैं, हद कर रहे हैं हम। और जब प्रकृति को खराब कर रहे हैं तो प्रकृति फिर कभी प्रलय ला, मतलब कभी तूफान ला रही है, कभी भूकंप ला रही है, कभी ज्वालामुखी निकाल रही है, कभी कहीं ज्यादा बारिश कर रही है, कहीं सूखा आ रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है। तो दुनिया भर के देशों को लगा यार कि यार अपनी प्रकृति को बचाने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा, और हम कुछ ऐसा काम करें। भाई आप पवन चक्की लगा रहे हैं, पैसा लगेगा, विंड ठीक है, लेकिन उस पवन चक्की से जो ऊर्जा निकलेगी, जो एनर्जी निकलेगी, वो एक क्लीन एनर्जी होगी, दैट्स गुड। तो आप ग्रीन बॉन्ड का पैसा यूज करिए। लेकिन अगर आप थर्मल पावर प्लांट लगा रहे हैं, कोयले से बिजली बना रहे, तो वहां पर ग्रीन बॉन्ड का पैसा यूज नहीं होगा, क्योंकि आपने कोयले से बिजली बनाई तो पॉल्यूशन किया, ठीक है। तो हमें अल्टीमेटली ग्रीन बॉन्ड का कॉन्सेप्ट 20 साल पुराना, और दुनिया भर में इस तरह के बॉन्ड निकल रहे हैं, दुनिया भर में इस तरह के बॉन्ड निकल रहे हैं। अब सवाल क्या, न्यूज में क्यों फ्लैश हुआ? एक संस्थान है काउंसिल ऑन एनर्जी एनवायरमेंट एंड वाटर, इसका नाम याद नहीं रखना है आपको, इसने एक रिपोर्ट निकाली। इस रिपोर्ट ने यह कहा कि हमारे देश में, भारत में जो अक्षय ऊर्जा के प्रोजेक्ट है, रिन्यूएबल एनर्जी के जो प्रोजेक्ट हैं, चाहे वो प्राइवेट वाले हों या सरकारी वाले हैं, अभी तक सिर्फ ग्रीन बॉन्ड की मदद से हमने 26,300 करोड़ रुपए ही रेस किया है इन 6 महीनों में। आपको ये फिगर भी याद नहीं रखना, लेकिन याद क्या रखना है कि हमारे देश में जो बॉन्ड मार्केट है उसमें सिर्फ 0.7% ही पैसा ग्रीन बॉन्ड में गया है, 0.7%। यानी 100 रुपए का मान लो मार्केट है तो 70 पैसा ग्रीन बॉन्ड में अभी तक आया है, जो कि काफी चिंताजनक बात है। और अच्छी बात यह है कि सिर्फ 70 पैसा आया है, इस 70 पैसे को 7 रुपए क्यों ना कर दें, इस 7 रुपए को 70 रुपए क्यों ना कर दें। तो चिंता वाली बात है कि मेरे देश में ग्रीन बॉन्ड का जो मार्केट है कमजोर है, और अच्छी बात यह कि ग्रीन बॉन्ड के मार्केट को हम और ज्यादा मजबूत कर सकते हैं। जनता भी खुशी खुशी वहां पैसा लगाएगी ना, उसको पता रहेगा मेरे 1 लाख रुपए जहां लगेंगे उससे प्रकृति को अच्छा होगा, उससे ऐसे प्रोजेक्ट लगेंगे, ग्रीन प्रोजेक्ट लगेंगे, इससे अल्टीमेटली हमारे एनवायरमेंट को अच्छा अच्छा फील होगा। तो ये एक न्यूज आई थी, तो ये ग्रीन बॉन्ड का ये जिक्र है। और ग्रीन बॉन्ड या कोई भी बॉन्ड है वो सारा कंट्रोल सेबी करती है। इसके बेनिफिट क्या है? सबसे बड़ी बात, भाई एनवायरमेंट को पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा, भाई इससे जो भी काम होगा एनवायरमेंट को अच्छा लगेगा, इससे इन्वेस्टमेंट आएगा, एक आम आदमी भी जो बॉन्ड में पैसा नहीं लगाना चाहता उसको भी अच्छा लगेगा, चलो यार
लगा देते हैं बॉन्ड में पैसा, क्योंकि इस पैसे से जो भी प्रोडक्ट बनेंगे वो एनवायरमेंट फ्रेंडली होंगे। और सबसे बड़ी बात, बैंकों का लोन अल्टरनेटिव है भाई। कंपनियां बैंक जाती हैं, बैंक वाले मना कर देते हैं, लोन देते हैं तो हायर इंटरेस्ट में देते हैं, जितना मांगते उतना देते नहीं है। यहां तो आम जनता से उठाना है, आम जनता तो तैयार है देने के लिए। तो बहुत सारे इसके फायदे हैं। आपको पता है आपका इंदौर नगर निगम, अब बात आई तो ये भी सुन लो, इंदौर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन IMC ने भी अपना बॉन्ड जारी किया था, अपना बॉन्ड, और उससे 450 करोड़ रुपए उधार लिए थे। लेकिन इंदौर ने जो बॉन्ड जारी किया था, पहले ये सेबी में रजिस्टर्ड हुई, उसके बाद ये बॉन्ड जारी की। बिना सेबी में रजिस्टर्ड हुए आप किसी भी तरह का बॉन्ड जारी नहीं कर सकते। जब इसने जो बॉन्ड जारी किया था उसका नाम था मसाला बॉन्ड, मसाला बॉन्ड। अब मसाला ये गरम मसाला नहीं है, MDH का मसाला। बॉन्ड तो आप समझ गए, हमें उधार चाहिए आम जनता से। भारत में चाहिए तो सेबी में रजिस्टर्ड होना पड़ेगा आपको। अगर मुझको उधार चाहिए आम जनता से तो मुझे सेबी में रजिस्टर्ड होना पड़ेगा। सेबी के बहुत सारे कायदे कानून है, वो मानना पड़ेगा। अगर मैं उसको फुलफिल कर रहा हूँ तभी मैं रजिस्टर्ड हो पाऊंगा। लेकिन मसाला बॉन्ड क्या होता है? जब देश के बाहर आपको बॉन्ड जारी करने हैं, मान लीजिए आपको अमेरिका में कोई बॉन्ड जारी करना है तो न्यूयॉर्क का जो स्टॉक एक्सचेंज है वहां लिस्टेड होना पड़ेगा। आपको जापान में कोई बॉन्ड जारी करना है तो जापान के स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड होना पड़ेगा। तो अगर मान लीजिए आप लिस्टेड हो गए, आप वहां पे दर्ज हो गए, आप वहां से बॉन्ड निकाल लें, तो जब आप विदेशों में बॉन्ड निकालते हैं, विदेशों में बॉन्ड निकालते हैं तो विदेश से मुझे पैसा चाहिए पहली चीज तो। और पैसा कैसे चाहिए? मैं चाहता हूँ मुझे रुपया चाहिए, तो मैं अमेरिका में बॉन्ड निकालूं चाहे जापान में निकालूं रशिया में बॉन्ड निकालूं अपने, लेकिन मुझको पैसा रुपया में ही चाहिए। मतलब आम आदमी से मैं कह रहा हूँ, रशियन से कह रहा हूँ कि रशियन आपके पास रूबल है तो रूबल को प्लीज कन्वर्ट करिए रुपी में और मुझको रुपी ही दीजिए। ऐसे बॉन्ड को कहते हैं मसाला बॉन्ड। तो मसाला बॉन्ड भारत के बाहर बॉन्ड जब जारी करते हैं पहली शर्त ये होती है, दूसरा इस मसाला बॉन्ड से जो हम उधार लेते हैं वो रुपया में आता है। तो इंदौर नगर निगम देश का पहला नगर निगम बना था जिसने मसाला बॉन्ड जारी किए थे आज से 2 साल पहले 2019 में, और 450 करोड़ रुपए इसने उधार लिए थे, जबकि लेने गया था सिर्फ 150 करोड़ रुपए उधार। लेकिन जो इसने मसाला बॉन्ड जारी किए उसकी कीमत लोगों ने हाइप कर दी। जैसे भाई 150 रुपए का माल है, लेकिन जनता बोल रही नहीं नहीं, और ज्यादा लोग जब खरीदने आ गए तो उस माल की कीमत बढ़ जाती है। मान चला कि मैं 150 रुपए का 2 किलो आम बेच रहा हूँ, लेकिन मेरे पास आखिरी 2 किलो आम है और खरीदने आ गए 4 लोग, तो मैं 150 का रेट 300 कर दूंगा या 500 कर दूंगा, फिर बोलूंगा 500 में कौन ले रहा है। तो इंदौर पिछले 4 सालों से सबसे साफ शहर है दुनिया में, इसका नाम हो गया। इसलिए इसका मसाला बॉन्ड जब लिस्टेड हुआ था न्यूयॉर्क के स्टॉक एक्सचेंज में, अमेरिका में जब लिस्टेड किया था तो गया था 150 करोड़ रुपए लेने और लेके आया था 450 करोड़ रुपए। क्लियर हो रही बात? रिप्लाई करो। सर मसाले में क्या था? अरे मसाला ये नाम है, ये आपका गरम मसाला नहीं है, ये उसकी नाम दिया गया है। जब हम भारत से बाहर बॉन्ड जारी करते हैं उस बॉन्ड को मसाला बॉन्ड कहते हैं। इसमें कोई चिकन मसाला चाट मसाला नहीं है, ये नाम है मसाला। और दूसरी शर्त ये है कि इस मसाला बॉन्ड से जो हम उधार लेके आते हैं वो रुपया में मिलता है, ना डॉलर में, ना रूबल में, ना दिनार में। क्लियर हो रही बात? जी सर। ठीक है। और सर इसका नाम तो दूर तरक जाएगी। अभी हाल ही में जो गाजियाबाद का जो नगर निगम है उसने ग्रीन बॉन्ड जारी किया। तो गाजियाबाद का नगर निगम देश का पहला नगर निगम है जिसने ग्रीन बॉन्ड जारी किया। गाजियाबाद का जिसने ग्रीन बॉन्ड जारी किया, ठीक है। चले अगली न्यूज में चले अगली न्यूज में रिप्लाई कर दो। जी सर। Yes, sir. ये आपको दिख रहा है जानवर छोटा सा। सर बॉन्ड इज बीइंग लिस्टेड बाय लंदन एक्सचेंज। हमें दुनिया में कहीं भी भारत के बाहर भी अगर बॉन्ड जारी करना है तो जिस भी देश में हमें बॉन्ड निकालना है, जिस भी देश के लोगों से उधार लेना है प्रतीक्षा, तो हमें वहां की स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड होना पड़ेगा। लिस्टेड मतलब पहले अपना खाता खुलवाना पड़ेगा वहां, ठीक है। तो इंदौर वाली कहानी लंदन स्टॉक एक्सचेंज की, इंदौर नगर निगम ने जब किया था तब। अगली न्यूज में चलते हैं। कदावुर रिजर्व फॉरेस्ट और स्लेंडर लोरिस। आपको इसमें इसको याद नहीं रखना है, आपको इसको याद रखना है, इसको स्लेंडर लोरिस की मैंने तस्वीर दिखा दी आपको। असल में ये जो बेचारा जानवर है, रात वाला जानवर है, ये रात में निकलता है बाहर। ऐसे जानवरों को बोलते हैं नॉकटर्नल, जो रात में निकलते हैं
इसे निशाचर कहते हैं इंग्लिश में, इसे कहते हैं नॉकटर्नल, जैसे उल्लू नॉकटर्नल है और आपका चमगादड़ नॉकटर्नल है। तो हो ये रहा है कि ये जो अपने सेंडर लोरिस भाई साहब है जिनकी आपने तस्वीर देखी, इनकी आबादी बहुत कम हो रही है और हमारे देश में हमने जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, वो वाइल्ड लाइफ एक्ट लाया है WPO 1972, उसमें हमने अपनी जो जानवर है उनकी कैटेगरी बनाई है, शेड्यूल बनाई है, और जो शेड्यूल एक में जिस भी जानवर को रख दिया इसका मतलब वो उसकी संख्या बहुत कम है और उसको खतरा है। तो शेड्यूल एक में ये स्लेंडर लोरिस भाई साहब रखे हुए हैं। IUCN की जो कैटेगरी है उसमें ये इंडेंजर्ड कैटेगरी, मतलब संकट ग्रस्त कैटेगरी में है, उनकी संख्या बहुत तेजी से कम हो रही। तो तमिलनाडु का करूर जिला, ये करूर जिला की लोकेशन है बीस तमिलनाडु में, यहाँ पे एक जगह है कदावुर, कदावुर नाम का जंगल है, वहां पे ये मिलता है स्लेंडर लोरिस, लेकिन इसकी आबादी बहुत तेजी से कम हो रही, इसका शिकार हो रहा है, बड़े जानवर सुखा जा रहे हैं, कुछ भी और 10 तरह के रीजन है हमें नहीं जानना, बस ये कि भाई इंसान से कौन बचा, इंसान तो सबको खा जाए तो ये तो जानवर ही है। तो आबादी इनकी कम हो रही है और जब इनके सेंसस कराई गई तो हर बार इनका सेंसस हम देख रहे हैं इनकी आबादी कमी होती जा रही। तो ये हुआ कि भाई इनको बचाने के लिए क्यों ना हम करूर जिले का जो कदावुर जंगल है उसको हम सेंचुरी बना दें, यानी अभयारण्य बना दें। अभयारण्य बना देंगे तो कम से कम लोगों का आना जाना रेस्ट्रिक्ट हो जाएगा, वहां पे जो अपने वन रक्षक है वो सब तैनात हो जाएंगे, तो इनकी आबादी बढ़ी रहेगी और चाहे चींटी हो चाहे हाथी हो सबका हमारे बायोडाइवर्सिटी में, हमारे एनवायरमेंट में सबका एक अभिन्न हिस्सा है। किसी भी जानवर को अगर आप खत्म कर देंगे पूरी तरह तो आज नहीं कल आपको उसका भुगतान करना पड़ेगा, और हम देख ही रहे हैं ये क्लाइमेट चेंज सब इसी सब का नतीजा है। तो सवाल ये हुआ कि भाई सेंचुरी ये सब इसके बारे में, 25 सेंटीमीटर हाइट है, मतलब लंबा होता है, पतला होता है, पतली सी हाथ है, नाक है, 12 से 15 साल जीता है, सब जानना नहीं आपको। जानना ये था कि हमारा जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है, वन्य जीव संरक्षण कानून 1972, उसमें ये शेड्यूल एक में आता है और IUCN की स्टेटस में इंडेंजर्ड यानी संकटग्रस्त में आता है। अब सवाल ये है कि मैंने बोला था कि अभी मेरे मुंह से निकला कि यार कई सारी रिपोर्टों ने बोला कि यार यहाँ पे आप सेंचुरी क्यों नहीं बना देते, सेंचुरी बना दो या एक रिजर्व फॉरेस्ट बना दो कि जिससे ये स्लेंडर जो लोरिस है आराम से रहे, इसका जीवन यापन करे, दिक्कत ना हो, इसका शिकार कम से कम। तो सवाल ये जो अभयारण्य होते हैं, सेंचुरी होती है, ठीक है, जैसे राला मंडल इंदौर के पास जो है राला मंडल, ये सेंचुरी है, ठीक है, और जो आपका वन विहार नेशनल पार्क है, जो आपका बांधवगढ़ नेशनल पार्क है, इधर नेशनल पार्क है, तो इन सबको कौन किसके कहने पे किसी इलाके को सेंचुरी या नेशनल पार्क घोषित कर देते हैं? तो हमारे देश में मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज यानी पर्यावरण, वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन का जो मंत्रालय है वो अपनी रिकमेंडेशन कहता है, वो अपनी रिकमेंडेशन देता है कि इस इलाके को हम क्या कर सकते हैं, सेंचुरी या नेशनल पार्क बना सकते हैं। तो रिकमेंडेशन ये देता है दिल्ली वाला मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। उसके बाद जैसे अभी तमिलनाडु की बात है कि भाई कदावुर वाला जो एरिया है उसको सेंचुरी बना दो, तो सेंट्रल गवर्नमेंट साथ में राज्य सरकार ये दोनों मिलकर चर्चा कर आपस में सहमति बनाकर एक नोटिफिकेशन निकालते हैं कि हाँ अब से ये इलाका सेंचुरी होगा, अब से इलाका नेशनल पार्क होगा। तो ये दोनों के पास अधिकार है, राज्य सरकार केंद्र सरकार दोनों के पास, कि दोनों नोटिफिकेशन निकाल के किसी भी इलाके को अभयारण्य या नेशनल पार्क घोषित कर सकते हैं, यानी बनाने का अधिकार दोनों के पास है। लेकिन मान लो हमने राला मंडल को सेंचुरी तो बना दिया, अब मालूम चले कि शिवराज सरकार के पास जाके कोई बोले कि सर राला मंडल में बड़े अच्छे जंगल है, इसको सेंचुरी इसकी हटवा दो यार, तो अपन यहाँ बड़े बड़े प्लॉट काट देंगे और प्लॉट की वजह से पैसा आएगा। तो एक बार कोई भी इलाका भरण या रिजर्व फॉरेस्ट या नेशनल पार्क बन गया तो उसको डाउनग्रेड नहीं कर सकते कि भाई कल को पहले ये राष्ट्रीय उद्यान हुआ करता था, आज तो ये यहाँ पे मल्टिया बनी, ऐसा नहीं, डाउनग्रेड नहीं कर सकते। यानी अपग्रेड कर सकते हो, किसी सेंचुरी को नेशनल पार्क बना सकते हो, किसी जंगल को। हाँ मेरी वॉइस ब्रेक हो रही है, कुछ इंटरनेट का इश्यू था, अभी तो ठीक आ रही है ना मेरी वॉइस? यस सर, जी सर।
तो मेरा कहना है किसी भी जंगल को, किसी भी इलाके को आप अभयारण्य बना सकते हो, किसी भी इलाके को राष्ट्रीय उद्यान बना सकते हो, ये दोनों कर सकते हैं, राज्य और केंद्र सरकार दोनों कर सकते हैं, लेकिन इसको आप डाउनग्रेड नहीं कर सकते कि आज अभयारण्य था कल को डी क्लासिफाई कर दिया, अभयारण्य से नॉर्मल जंगल हो गया, जंगल काट दो, ऐसा नहीं। यानी इनको डाउनग्रेड नहीं कर सकते, एक बार अगर आपने इनको अभयारण्य या नेशनल पार्क का दर्जा दे दिया तो इसको डाउनग्रेड नहीं कर सकते, डाउनग्रेड नहीं कर। ये बस आपको यही चीज मुझे समझानी थी कि सेंचुरी और रिजर्व फॉरेस्ट राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दोनों दे सकते हैं, अल्टीमेट अथॉरिटी ये होती है, ये रिकमेंडेशन देती है। जैसे अब इसके पास सब रिपोर्ट जाएगी कदावर कि इसके पास वो जाएगी एप्लीकेशन कि साहब सेंडर लोरिस मर रहा है, इसकी आबादी कम हो रही, क्यों ना कदावर जो जंगल है उसको सेंचुरी में तब्दील कर दिया जाए। ये अपनी रिकमेंडेशन देगा भारत का पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन वाला जो आपका मंत्रालय है। और एक बार किसी इलाके को सेंचुरी यानी अभयारण्य या नेशनल पार्क यानी राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिल गया तो आप उसको डाउनग्रेड नहीं कर सकते, ये ध्यान रखना बस, आप उसको डाउनग्रेड नहीं कर सकते। चले अगली न्यूज पर रिप्लाई कर दो। यस सर। एमपी में कौन कौन से नेशनल पार्क है, कौन कौन से सेंचुरी है, एक बार देख लेना आप लोग। फॉरनर ट्रिब्यूनल्स या विदेशी ट्रिब्यूनल। ट्रिब्यूनल की कहानी तो 4-5 दिन पहले मैंने आपको समझा दी थी अच्छे से, ट्रिब्यूनल क्या होते हैं, इनको अधिकरण कहते हैं, न्यायाधिकरण कहते हैं, ये हम जान लिए। ये एक तस्वीर है, बरपेटा आसाम में एक जगह है, वहां पे देखिए फॉरनर ट्रिब्यूनल की ये एक तस्वीर है। असल में है क्या, बवाल क्या है, 2 मिनट हम बवाल में बात कर ले। हम अपने भारत का अगर नक्शा देखते हैं, किसी भी तरफ आप उठा के देख लो, किसी भी तरह, चाहे जम्मू कश्मीर देख लो, चाहे राजस्थान देख लो, गुजरात देख लो, तमिलनाडु देख लो, केरल देख लो, फिर इधर उड़ीसा देख लो, फिर इधर घूमते हुए आओ तो पूरे 7 बहनों देख लो, हर जगह हर राज्य में कोई ना कोई विदेशी व्यक्ति तो रह ही रहा है। साउथ में देखेंगे तो तमिल से रह रहे हैं, वेस्ट में देखेंगे राजस्थान और गुजरात में तो पाकिस्तानी रह रहे हैं, यानी जो पाकिस्तान से आए हैं, ऊपर देखेंगे नॉर्थ में और अरुणाचल में तो तिब्बती रह रहे हैं, और पूरे 7 बहनों में देखेंगे तो बांग्लादेशी रह रहे हैं, यानी रह रहे हैं ये लोग। और हमारे देश में जो व्यक्ति, हमारे देश में एक तो होता है नागरिक, हम आप नागरिक हैं इस देश के, और जो नागरिक नहीं होता उसे हम कहते हैं फॉरनर या विदेशी, विदेशी कहते हैं। अब जो विदेशी है मतलब किसी और देश का, मेरे देश का नहीं है। अब विदेशी भी 2 तरह की होती है, एक तो लीगल होते हैं कि एक इलीगल होते हैं। लीगल कैसे, अक्षय कुमार लीगल विदेशी है, कनाडा का रहने वाला है, भारत में आया काम करता है, लीगल विदेशी है। इलीगल कौन, बहुत से बांग्लादेशी ऐसे हैं, बहुत से ऐसे अफगानिस्तानी हैं जो तालिबान से डर के मारे भारत घुस रहे हैं, या बहुत से बांग्लादेशी ऐसे जो पिछले 40 साल से बांग्लादेश से भाग भाग के भारत में घुस रहे हैं, वो इलीगल है, उनके पास कोई कागज नहीं है, उन्होंने कोई परमिशन नहीं ली थी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर से कि हमें भारत में आना है, कोई परमिशन नहीं ली थी। या कोई ऐसा व्यक्ति जो किसी और देश का नागरिक है, बकायदा परमिशन लेके भारत आया था कि मैं 6 महीने रहना चाहता हूँ, लेकिन 6 महीने कंप्लीट भी हो गए लेकिन वो वापस नहीं जा रहा, तो वो भी इलीगल कहलाएगा। तो मेरे देश में 2 तरह के विदेशी हैं। अब ये जो इलीगल विदेशी हैं, इनका बड़ा रोना है, इनके लिए हम चर्चा पहले कर चुके हैं कि हमारी जो प्रवासी नीति क्या होनी चाहिए, ठीक है, इनके बारे में पिछले लेक्चर्स में चर्चा हो चुकी है। न्यूज़ में ये क्यों फ्लैश हुआ, देखो जो जो इलाके में ज़्यादा इलीगल माइग्रेंट्स रहते हैं वहां पे सरकार इस तरह कलेक्टर के अधीन क्या खोल देती है, फॉरनर ट्रिब्यूनल खोल देती है, सरकार खोलती है, राज्य सरकार। और वहां पे जैसे मान लीजिए एक आदमी है ए नाम के व्यक्ति को इस फॉरनर ट्रिब्यूनल में जाना होता है और अपने कागज दिखाने पड़ते हैं। अगर उसके पास कागज नहीं है तो वो इलीगल माइग्रेंट हो जाएगा, इलीगल फॉरनर कहलाएगा, और उसको फिर जेल में डाल दिया जाएगा और बाद में उसको उसके देश भेज दिया जाएगा। अभी क्या हो रहा है, जो भी 7 बहनें हैं हमारी, खासकर आसाम वाला जो एरिया है, वहाँ पिछले 40 साल से या पिछले 50 साल ही कह ले, 50 साल हो गए, बांग्लादेशी आए जा रहे रुके नहीं रहे, और इस वजह से वहाँ के जो लोकल जनता है आसाम की या अरुणाचल की या फिर मेघालय की, वो बड़ी परेशान है कि यार ये कल को इतनी आबादी हो जाएगी, कल को नागरिक बन जाएंगे, फिर वोट बैंक की राजनीति होगी, फिर इनकी सुनी जाएगी, हमारी सुनी नहीं जाएगी। इसी बीच में क्या थे, जो गोरखा लोग थे, गोरखा अपन जानते हैं नेपाली होते हैं, और नेपाली जो था, नेपाली पूरा किंगडम था, बाद में 1816 में 1416 तक 1814 से लेकर 1816 तक एक एंग्लो नेपाली वॉर हुआ था, और उसमें अंग्रेजों ने हराया था नेपाल के राजा को। तो तब से एक तरह से म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो गई कि भाई भारत नेपाल एक ही है, आराम से आओ, यहाँ रहो, खाओ पियो,
और आज भी हमारी और नेपाल के बीच में 1950 की एक फ्रेंडशिप ट्रीटी है, जिसकी वजह से नेपाल की पूरी जो सिक्योरिटी है, सुरक्षा है, भारतीय आर्मी करती है। नेपाल में जाने के लिए आपको पासपोर्ट वीजा नहीं लगता है। बहुत सारे नेपाली रोज भारत में आते हैं, रोज काम करके नेपाल चले जाते हैं, क्योंकि अगर हम देखें तो बिहार का यूपी का बॉर्डर जो है वो नेपाल से लगा हुआ है। और ये गोरखा तो आपको हर जगह दिख जाएंगे, ऊ शाब जी अमूमन बड़े बड़े मल्टियों में जो चौकीदार वो गोरखास मिलेंगे आपको। बहुत ब्रेव होते हैं, बहुत अच्छे फाइटर्स होते हैं। ब्रिटिश आर्मी में इनके लिए रेजिमेंट है, हमारे खुद इंडियन आर्मी में गोरखा रेजिमेंट है, सिंगापुर की पुलिस में गोरखा लोगों को रिक्रूट किया जाता है। अभी असम सरकार ने आदेश निकाला, क्या निकाला कि भाई हमारे देश में हमारे राज्य में, असम राज्य में जो गोरखा हैं, जो लोग गोरखा हैं, उन्हें किसी भी तरह से अपनी अपनी आइडेंटिटी को सिद्ध नहीं करना है। यानी पहले क्या था, हमारे देश में कानून आया था फॉरनर एक्ट ऑफ 1946, और इसके तहत ये बोला गया कौन नागरिक है कौन नागरिक नहीं है मोटे तौर पे, और कौन विदेशी है तो उसको क्या कागज चाहिए, उसको आके यहाँ पे अपना प्रूफ करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए 10 लोग रहते हैं असम में, तो एक फरमान निकल के 10 के 10 लोग आए अपने डॉक्यूमेंट चेक कराए, तो जो नागरिक है वो तो डॉक्यूमेंट चेक करा देगा, लेकिन जो नागरिक नहीं तो पकड़ा जाएगा। तो असम में इस तरह बहुत सारे फॉरेन ट्रिब्यूनल्स खुले हुए हैं, जहां पे एक तरह से वेरीफाई किया जा रहा है कि कौन नागरिक कौन नागरिक नहीं है। तो गोरखा लोगों को इससे छूट दे दी गई कि भाई ये गोरखा लोगों को डॉक्यूमेंट नहीं दिखाने हैं, और उनके पास डॉक्यूमेंट ना भी हो तो भी वो भारत में रह सकते हैं। ये है पूरी न्यूज, क्योंकि गोरखा भी नेपाली है और गोरखा भी बहुत बड़ी आबादी में रहते हैं, और अभी तक गोरखाओं को भी प्रूफ दिखाना पड़ रहा था अपना, और बहुत सारे गोरखाओं के पास डॉक्यूमेंट नहीं थे, लीगल डॉक्यूमेंट भारत के। तो ये हो रहा था क्या गोरखाओं को वापस भेजोगे नेपाल में, तो गोरखा बहुत बड़ी आइडेंटिटी भी बकायदा हमारे मिलिट्री में पूरी गोरखा रेजिमेंट है। ये सब देख के सरकार ने, असम सरकार ने सोचा कि नहीं, गोरखाओं को रिलीफ दे देते हैं, गोरखाओं को इससे रिमूव कर देते हैं। अब गोरखाओं के लिए कंपलसरी नहीं है, मतलब ये इनको जाना है उस फॉरनर ट्रिब्यूनल में जाना है, जैसे मैंने तस्वीर दिखाई थी बरपेटा की, वहां जाएंगे बताएंगे अपना कोई भी आईडी दिखा दे, अपने अपने राज्य का अपने देश का दिखा दे, नेपाल का भी, बस उसमें प्रूफ हो जाए कि आप गोरखा हैं तो आपको छूट है, आपको डिपोर्ट नहीं किया जाएगा, आप जिस तरह अपना जीवन यापन देश में जी रहे हैं कर रहे हैं वैसा करिए। ये है न्यूज, क्लियर है तो रिप्लाई कर दो। यस सर। देखो तो ये फॉरनर ट्रिब्यूनल कहीं भी खुल सकता है, कलेक्टर के अधीन खुल सकता है। अभी हाल ही में 8 महीने पहले कानून आया था जिसमें फॉरनर ट्रिब्यूनल की जो ताकत है वो जिला मजिस्ट्रेट को दे दी गई। अभी इंदौर में मान लो खुल गया, वही बोल दिया कि भाई हर मोहल्ले में कैंप लगाए, इस मोहल्ले के सारे लोग आए अपने डॉक्यूमेंट चेक कराए, तो आपको भी चेक कराना पड़ सकता है, करवा दीजिएगा वेरीफाई करने के लिए। इस देश में आप विदेशी के रूप में तो नहीं रह रहे, या आप इलीगल तो नहीं है, यानी आपके पास कागज नहीं है और आप रह रहे हैं यहाँ पे बेहतरीन। तो ये सारी कहानी है, इतने सारे गोरखा और इनकी आबादी बहुत बड़ी है असम में, और ये सब देख के लग रहा था कि भैया कहीं दिक्कत ना हो जाए। असल में क्या है, पिछले 2 साल से NRC बन रहा है, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन, यानी इस देश के नागरिक कौन कौन है, और उसने वो बार बार लिस्ट निकालता है कि भाई इतने लोगों का नाम हमको नहीं मिला, इतने लोगों का नाम हमको नहीं मिला, तो लगभग 22,000 गोरखाओं का नाम निकल गया था उस लिस्ट से बाहर। इसका मतलब ये 22,000 लोग इलीगल रह रहे हैं, तो 22,000 लोग बहुत बड़ी आबादी थी गोरखाओं की, गोरखा बड़े इन्फ्लुएंशियल लोग हैं, बहुत सालों से रह रहे हैं यहाँ पे, सदियों से रह रहे हैं। तो सरकार ने बोला छोड़ो यार गोरखाओं को, तो गोरखाओं को एग्जेम्प्ट कर दिया कि आपको डिक्लेयर्ड फॉरनर नहीं करेंगे। ये सारी कहानी है, ठीक है। अब बताओ यार, ये स्लेंडर लोरिस का जो सवाल है इसका जवाब दीजिए, क्या ये IUCN की इंडेंजर्ड लिस्ट में आता है? पहला स्टेटमेंट ये कहता है, दूसरा ये कह रहा है कि जो हमारा वन्य जीव संरक्षण कानून है 1972 का, इसकी अनुसूची 1 में आता है, और पूछ रहा है इन दोनों में से राइट स्टेटमेंट क्या है। स्लेंडर लोरिस की आपने तस्वीर देख ली है तो कभी ऑप्शन आएगा स्लेंडर लोरिस क्या है, और उसमें ऑप्शन लिखा रहेगा छिपकली है, चूहा है, तो कम से कम बोधो टिक नहीं मारोगे आप, क्योंकि आपने तस्वीर देख ली कि बिल्ली नुमा एक जानवर है। ठीक है, बढ़िया, दोनों स्टेटमेंट सही है। अगला है फॉरनर ट्रिब्यूनल को लेकर, कि फॉरनर ट्रिब्यूनल कैसे बनते, कौन बनाते हैं। तो हमारे देश में नागरिकता आपको, आपके आप इस देश के नागरिक है, किसने डिसाइड की है? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने। तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ही ट्रिब्यूनल को बनाती है, और इसमें लिखा है वेस्टेड ओनली, इसमें क्या लिखा है कि ट्रिब्यूनल जो अपने फॉरनर ट्रिब्यूनल है उसको बनाने की ताकत ओनली, ओनली शब्द है ना, ओनली ओनली विद द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, तो ये गलत है, ओनली नहीं होगा भाई। आप भी बना सकते हो और राज्य सरकार भी बना सकती है, स्टेट गवर्नमेंट भी बना सकती है,
ये स्टेटमेंट गलत होगी, ऑनली नहीं। दूसरा, फॉरनर ट्रिब्यूनल जो है एक क्वासी जुडिशियल बॉडी है जो कि फॉरनर एक्ट 1946 के तहत बनी है, बिल्कुल सही है। और 46 को ही उल्टा कर दो, 64 कर दो, देख इसका, इसके ऑर्डर आया था 64 में, तो ये स्टेटमेंट सही है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ओनली टू स्टेटमेंट इज करेक्ट। इसको भी देखते हैं ये सवाल क्या कह रहा है। ग्रीन बॉन्ड के बारे में सवाल है, पहला स्टेटमेंट ये कहता है कि जो ग्रीन बॉन्ड से पैसा प्राप्त होगा उससे हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में काम करेंगे, मास रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम में काम करेंगे, पानी के क्षेत्र में काम करेंगे, सिंचाई के क्षेत्र में काम करेंगे, अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में काम करेंगे। ग्रीन बॉन्ड का पैसा जो है वो इसलिए लगाया जाएगा। दूसरा कहा है कि इट कैन बी रेस्ड बाय फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ओनली, ओनली ये शब्द बड़ा बेकार होता है ओनली। अभी मैंने आपको एग्जाम्पल दिया नगर निगम का, नगर निगम तो क्या नगर निगम कोई वित्तीय संस्थान है क्या? क्या वो वित्तीय काम करता है क्या? वो डेवलपमेंट काम कर रहा है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया, जहां ओनली ओनली आया ना तो एक बार रुक के थोड़ा पढ़ना स्टेटमेंट को, बाकी सही है पहला वाला। तो ये होता है ग्रीन बॉन्ड। अब आपको ग्रीन बॉन्ड समझ में आ गया, अब इकोनॉमी में कहीं भी ग्रीन बॉन्ड आ जाए, बॉन्ड आ जाए, तो आपको कभी दिक्कत नहीं होगा उसको समझने में। चलिए ठीक है, आज की क्लास में कोई डाउट हो तो